इस सभा में महसूस किए जा सकते हैं। अब क्योंकि मेरी वो मां थी तो मां बच्चे के रिश्ते को मैंने बड़ी नजदीकी से मेरे शरीर ने, मेरे मन ने, मेरी रूह ने उस रिश्ते की खुशबू को महसूस किया है। मां की ममता तो हर वक्त उनकी आंखों से अपनी रूह में उतरते देखा है, और जो मैं समझता हूं कि परमात्मा की पूरी कायनात में सतगुरु शिष्य के बाद, पीरो मुर्शिद और मुरीद के रिश्ते के बाद जो सबसे पाक रिश्ता आता है वह मां और बच्चे का। रिश्ते सभी होते हैं, बीवी का होता है, बच्चे का होता है। अजगर को तन पावे, निज मुख जो गुरु निंदा करी कल्प सहस नरक में पर। गुरु की निंदा सुने जो कोई राशद स्वान जन्म ते हो, गुरु से अहंकार उर धारी करे विवाद मूड़े अविचारी। ते नर मरु निर्जल बन जाई कृष्ण मरे राक्षस तन पा। जो गुरु वचन पे संशय लावे होए दरिद्र अति दुख पा। बिन दर्शन नहीं गुरु के रहिए ये दृढ़ नियम ते में गए। जो बिन दर्शन करे आरा होए व्याधि तन विविध प्रकार। यथा शक्ति जन चूके नाही हुए। सबका स्वामी तू अंतर्यामी।
Thank you.
सबकी तमन्ना होनी चाहिए कि आखिरी समय हो हमारे गुरु महाराज जिनको मानते हैं वो सामने हो और प्राण लिख रहे हो। प्रभु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, प्रभु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम मेरे सामने हो, तुम मेरे सामने हो और प्राण निकल जाए, तुम मेरे सामने हो और प्राण निकल जाए। प्रभु तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी बस तकदीर बदल जाए। धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। प्रभु तेरे चरणों माता जी को सच्ची सुची श्रद्धांजलि भेंट करने वास्ते सब तो पहला मैं एक बेनती करूँगा, सत्संग जिथे परमात्मा की गल होती हो उस परमेश्वर का सत्संग होता हो। मेरिया भैनों वीर बेनती जिन्हों को रुमाल है चुनिया है अपना सिर कट, क्योंकि गुरु की संगत का सत्संगत का कोई ना कोई डिसिपलन जरूर है। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਪ ਕਦਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸ਼ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਰ ਹੋਏ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਰਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਗਾਲ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਕੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਚੀ ਵੱਢ ਲਏ, ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢ ਲਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੇਤੀ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਦਇਆ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੋਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ
खेत बैठे ने खूह के बजुर्ग तो ललकारे मारद साहब श्री गुरु नानक देव जी उत्थे आए कह लगे बुजुर्गो आ माला लो राम नाम जपो वाहगुरु जपो तुहाडा भला हो जाएगा तुहाडा पार उतारा कर देंगे। कह लगा जी अजे बड़ा काम है जवाक निकम्मे ने एक काम नहीं करते क्योंकि मोह बड़ा है घर में कि मैं अजे बुजुर्ग होया होर काम चला दूं। इस तरह करदे आ सतगुरु जी अगे चले गए कुछ समा बीते बुजुर्ग जिहड़ा है चढ़ाई कर गया चढ़ाई करके तो उस घर बच्चे का रूप जन्म लिया गां का बच्चा बन गया क्योंकि घर में मोह है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै जिहो जे अंतकाल विच आपां सिमरदे हाँ जीवन में उहो जे अगे जन्म मिलते जाते बल्द बन गया फिर उस खेत च जोड़ दिता सतगुरु फिर आए दृष्टि नाल पुछिया कन्न ला दिता कह लग्या सतगुरु एक दे दो चार सौ दा मैं मर जावांगा फिर मेरे बच्चे होर लियाउणगे उस घर विच मोह अजे भी है जून बदल गई साडा संसार विच मोह किहो जिहा है ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੋ ਚਾਰ ਸੌ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਪਤਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਥੱਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੋਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਥੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੱਪ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸ਼ਤੀਰ ਨਾਲ ਲਮਕਿਆ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪੋਤਾ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਤਾ ਰੋਇਆ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗੂੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਝੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੜ ਜਾਏਗਾ ਜੂਨੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੂਨੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਏ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਿਰੜ ਚਿਰੜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਸਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੀ ਉਦਾਏ ਕੋਈ ਸੀਵੈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਲਾਏ ਹਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ 2018 ਹੈ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਘੰਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਧੋਂਦੇ ਆ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਕੌਟੀਆਂ ਬਦਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਸੱਚੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਾਣ ਕੋ ਸਿਮਰ ਕਰ ਆਪ ਤੁਸ
सेवा भक्ति कर रहे हैं, और भी कितनी रूहों को अपना इमारत पर लगा रहे हैं। ये सब माता जी का उपकार है जिन्होंने ऐसी संस्कारी आत्माओं को जन्म देकर के अपना जन्म सफल किया। यहाँ तो जन्म सफल किया ही किया, आगे भक्ति का धन एकत्र करके मालिक की दरगाह में सुरखरू होकर के गए हैं। कहते उसको क्या रोइए जो अपने घर जाए, लोभी सात जवाब राजो हाटो हाट बिताए। ऐसी रूहें जो भक्ति की कमाई करके जाती हैं, जन्म संवार करके जाती हैं, ऐसी रूहों को तो बार बार नमस्कार करना चाहिए। उसको क्या रोना है जो कि अपने घर गए हैं। असली घर तो परमात्मा का घर ही अपना घर है, ये तो एक दिन छोड़ जाना है। ये क्षण भंगुर है जिसे हम अपना समझ रहे हैं, ये तो एक दिन छोड़ करके सबको जाना है। ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदे आया, चातुर माल जोगना की ना मूर्ख भूल गवाया। सारा संसार यहाँ पर भक्ति का व्यापार करने के लिए आया है। ये एक संसार क्या है, जैसे एक दुकान पर हम सब सौदा लेकर के आते हैं, ऐसे ही ये भक्ति का घर सतगुरु का घर है। यहाँ पर सच्चा सौदा लेना है। एक बार संत महापुरुषों के पास एक प्रेमी आया। महापुरुषों ने फरमाया कि जाओ आप 300 करके आओ। उन्होंने 3 रुपये दिए कि जाओ सौदा करके आओ। बोले कौन से सौदा करना है, कि एक सौदा करना है यहाँ का, एक वहां का, एक ना यहाँ का ना वहां का। बड़ा समंजस में पड़ गया कि ये कैसा सौदा है। बाजार में जाता है, जगह जगह जाता है, कहता है 1 रुपये का सौदा यहाँ का, एक वहां का, एक ना यहाँ का ना वहां का। बहुत जगह पर जाता है लेकिन सौदा नहीं होता। कुछ समय के पश्चात संत महापुरुष मिल जाते हैं। उन्होंने उस प्रेमी को सबसे पहले बैंक में ले जाते हैं। कहते हैं 1 रुपये यहाँ पे जमा कराते हैं और दूसरा खेल तमाशे में लगा दिया और तीसरा संतों के लंगर में लगा दिया। जब वे सौदा करके संतों के पास जाता है तो संत पूछते हैं कि प्रेमी सौदा करा है, कि तो सौदा तो संतों के लंगर में लगाया है वो परलोक का धन हो गया, जो खेल तमाशे में लगाया है वो यहाँ खाना वहाँ का। तो संत महापुरुष जो भक्ति की हाट सजा करके बैठक छी को छोड़ जाते हैं, जैसे माता जी अपने मांस भक्तश्री को छोड़ करके श्री गुरु महाराज जी के चरण में पहुँचे हैं। आज सब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए एकत्र हुए हैं। तो सभी प्रेमी अपना मन भी ऐसी शिक्षा लेनी है जैसी कि माता जी ने अपने परिवार को दी। यह लोग भी सुखी करे, पर लोग भी सुखी करे और मालिक की प्रसन्नता। गुरुजी के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधार के, शब्द ना उपनाए सुंदर दुखित जीव उपारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु दीजिए,
चरणों में रख लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। जयकारा बोल मेरे महाराज की जय। सभी को विनती है कि 10 मार्च को भगत सुनील जी, जिन्हें हम टाटा जी के नाम से जानते हैं, उनके माता जी अपनी जीवन यात्रा पूरी करके मालिक के चरणों में लीन हो गए हैं। उनकी अंतिम श्रद्धांजलि तथा रसम पगड़ी के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि भाई जी ने भी अपने वचनों में बताया और भाई साहब ने भी बताया कि माता जी वाकई ही बहुत ही सौभाग्यशाली थी। ऐसे नहीं कि उनके पास धन दौलत या और दुनिया के सम्मान के लिए हम भाग्यशाली कहते हैं, नहीं, वो तो मालिक के जिस कार्य करने के लिए जीवित संसार में आया वो अपना कार्य पूरा करके गया। आप भी अपना उन्होंने कार्य पूरा किया है और अपने सारे परिवार को भी मालिक के संग जोड़ के गए हैं। धन दौलत तो सब माता पिता दे देते हैं, पर मालिक की भक्ति जो है, जो इस लोक में और परलोक में साथ जाने वाली है, वो कोई कोई देता है। और उनकी जो अंतिम यात्रा थी वो इतनी अच्छी थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई साधु संत यहाँ से जा रहा हो। हमारे प्रभुज्य महात्मा जी ने भी अपने वचनों में फरमाया कि वो तो श्री सतगुरु दादा दीनदयाल जी के चरणों में पहुंच गई है। जब महापुरुषों के ऐसे वचन हो जाएं तो वाकई वो रूह तो सतगुरु के चरणों में पहुंच ही गई है। जब इसी रास्ते से जाना है, कम से कम हम अब तो सोच लें, फिर भी हम जो दुनिया दुनिया के काम में लगे रहते हैं, जिना सुतिया समय गवाया सिर पायो राधिका, जिना राह वेस्ट ना सके। अगर हम यहाँ कुछ करके जाएंगे तो इसी से याद कर रहे हैं कि उन्होंने आप ही भक्ति की और अपने सब परिवार को भी साधु बना दिया। तो कपड़ों से नहीं होता कि कपड़े पहनेंगे हम साधु बन गए, नहीं, आपको ये अच्छी चीज देकर जाते हैं। इसलिए हमारा भी ये फर्ज है कि हम भी उसी चीज पर चले जो चीज हमने साथ लेके जानी, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो ये पछतावा रह जाए। अगर हम भी अब भी नहीं जीतेंगे तो कहते हैं हमारे फिर पछतावा रह जाएगा। इसलिए गुरुमुखो ये मनुष्य शरीर, इसलिए हमारा फर्ज है हम अपने महापुरुषों की वाणियों पर अगर हम उन पर अमल करें। एकत्रित हुए इसे शोक सभा कहें, श्रद्धांजलि सभा कहें, विवेक सभा कहें, कई तरह के भाव इस सभा में महसूस किए जा सकते हैं। अब क्योंकि मेरी वो मां थी तो मां बच्चे के रिश्ते को मैंने बड़ी नजदीकी से मेरे शरीर ने, मेरे मन ने, मेरी रूह ने उस रिश्ते की खुशबू को महसूस किया है। मां की ममता को हर वक्त उनकी आंखों से अपनी रूह में उतरते देखा है। और जो मैं समझता हूं कि परमात्मा की पूरी कायनात में सतगुरु शिष्य के बाद, पीर मुर्शिद और मुरीद के रिश्ते के बाद जो सबसे पाक रिश्ता आता है वह मां और बच्चे का। रिश्ते सभी होते हैं, बीवी का होता है, बच्चे का होता है, बहन का, मित्र का होता है, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता, बुद्धि का भी रिश्ता होता है, तीन तरह के रिश्ते होते हैं।
हृदय का भी रिश्ता होता है और नाभि का रिश्ता भी होता है, टूटता नहीं है। जाने के ढंग अनेक हो सकते हैं, एक्सीडेंट से चला गया, योग से चला गया, अकाल मृत्यु मर गया, प्राकृतिक मृत्यु हो गई, लेकिन ख्याल रखना आने का रिश्ता जो रास्ता है केवल माँ है, जरिया है जो आने का केवल माँ है, चाहे वो भगवान राम, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, हजरत मोहम्मद, परम संत कबीर साहब महाराज, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, विवेकानंद जी, किसी भी महापुरुष को सभी मां के जरिए इस सृष्टि में आए। अब जो मैंने मां का रिश्ता महसूस किया, हालांकि समय हो गया है, मैं आपके 10-15 मिनट लूंगा, सत्संग की बात हो गई, अध्यात्मता की बात हो गई, भक्ति की बात हो गई, सत्संग की बात हो गई, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा ईश्वरीय व्यक्तित्व है जिसकी हमारे समाज में उपेक्षा हो रही है, नजरअंदाजी हो रही है, और जो भी अपने विचार में आपके सम्मुख रखूंगा, निवेदन है कि जरा ध्यान से सुनना। मां सबसे छोटा शब्द है, इससे छोटा शब्द ढूंढना मुश्किल है, और मां से विशाल शब्द ढूंढना भी शब्दकोश में डिक्शनरी में मुश्किल है, और शब्दकोश का सबसे मीठा, प्यारा, सुंदर, ईश्वरीय, स्नेहपूर्ण, करुणा से भरा हुआ, ममता से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, क्षमा से भरा हुआ जो नाम है वो मां है। मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा, आप इस बात को समझ सकते हैं, इससे प्यारा, मीठा, सुंदर नाम शब्दकोश में नहीं है। और ख्याल रखना कि वो इस संसार में वो लोग जिनके ऊपर माता पिता का साया है, मां का साया है, जिनको मां की सुखद सरद मीठी आंचल की छाया मिली हुई है, महापुरुष कहते हैं, और मेरा भी ख्याल है कि वो संसार की सबसे धनाढ्य, सबसे अमीर, सबसे खुशहाल, सबसे खुश नसीब लोग हैं। तभी हमने इस ईश्वरीय व्यक्तित्व की ओर ध्यान नहीं दिया, मां सिर पे बैठी होती है, ख्याल नहीं रहता, इंतजार करती रहती है, हमारा हाल पूछती रहती है, जब वो चले जाते हैं तो फिर हमें उनकी सारी बातें, वो स्नेह और दृष्टि सारी याद आती है। हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझें कि मां का जन्म कब होता है, जब मां बच्चे को जन्म देती है, बच्चे के जन्म के साथ साथ वो गृहिणी मां बन जाती है, मां का जन्म भी तब होता है। अगर बच्चा चला जाए तो मां मरती है, अगर मां मर जाए तो समझो बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं, वो कड़ी टूट जाती है, वो रिश्ता टूट जाता है। साइंटिफिक लॉजिक के साथ हम बात करेंगे कि जब मां बच्चे को जन्म देती है उसे कितनी पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा, डिलीवरी के टाइम की पीड़ा, शरीर में 206 हड्डियां हैं, उनको एकदम से अगर क्रश कर दिया जाए, फ्रैक्चर कर दिया जाए, तो जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मां को होती है बच्चे को जन्म देते हैं। इस पीड़ा को सहती है। एक दूसरी मेडिकल साइंस की बात करता हूं, हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है, एक पीनियल ग्लैंड, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तीनों मिलके अलग अलग तरह के इसमें से रसायन निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे शरीर को। शोक समाचार, ग्राम पंचायत कृष्णा नगर हमरा रोड उद्याना, रवि गांधी जी की ओर से है जो मेंबर पंचायत है, उन्होंने हार्दिक
अपनी सांत्वना पेश की है माता जी के निधन पे, और दूसरा दुर्गम मंदिर कमेटी की ओर से शोक समाचार है, तो इनके सबके हम धन्यवादी हैं। और कुछ एक सेवा दुर्गा माता के चरणों में अर्पित करने के लिए निकाली गई है, वो भेंट कर दी जाएगी। और एक बार फिर से सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने फिर कहता हूं, अपने माता पिता की इज्जत करें, दवाएं लें, जीवन में सुकून शांति और समृद्धि का है। बोलो जयकार, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तभी एक भजन होगा, मेरा भाग्य सयान की चरना दे तोड़, मेरा भाग्य सयान की चरना दे तोड़, चरना दे तोड़ चरना दे शरदा लगे द्वार ते तेरे